एक डेढ़ मिनट का। यहाँ आकर कैसा लग रहा? वो तो आनंद की अनुभूति है जी। और नर्मदा माँ की गोद में आकर कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भाग्यशाली है जी। जी आपको कैसा लग रहा है? किस बहुत तरह अच्छा लगा है और हमारा सौभाग्य है जो नर्मदा नदी किनारे हम मतलब यहाँ आए और हमारी शादी हुई है जी। बहुत सौभाग्य की बात है जी। आज नर्मदा मैया की ही यात्रा पर हम और हमारे साथी चेतन निकल चुके हैं। नर्मदा मैया से जुड़ी हुई हर कथा हर कहानी आप सबको सुनाएंगे, हर पौराणिक मान्यताओं से आप सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जिससे आप सब जुड़े रहें। नर्मदा मैया के तीरे जो भी आता है वो सहज और सरल हो जाता है, वो अपने आप को समर्पित कर देता है और यही हमारी परम्परा है, यही हमारी संस्कृति है। इस परम्परा और संस्कृति को बनाए रखने की जरूरत है। जैसा आज देखने को मिल रहा है नर्मदा मैया के किनारे तीरे, यहां पर आप देख रहे हैं वैवाहिक समारोह, आपने देखा होगा वैवाहिक समारोह का उत्सव आप सबने देखा होगा। इस उत्सव का मूल उद्देश्य दिखाने का मूल कारण यह है कि पहले के समय में हमारे यहां इसी तरह की परंपराएं होती थी। पहले हमारे यहां शादी ब्याह इसी तरह के होते थे, गांव के लोग एक साथ जुटते थे और बेटी की शादी में पूर्ण सहयोग करते थे, पूरा गांव जो है सहयोग के लिए उतर पड़ता था। उसी तरह से अगर लड़के की भी शादी है, अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत है तो पूरा गांव जो है वो सहयोग करता था। क्योंकि यहां पर नर्मदा मैया के किनारे हैं तो इसलिए ये विवाह समारोह बहुत ही सादे और सहज तरीके से हो रहा। तो लड़के के पिता से मैं बातचीत करूंगा, यहां उनसे पूछूंगा कि कैसे किस तरह से नर्मदा मैया का आशीर्वाद जो है यहाँ आप सबको मिल रहा है। हमने अपने बच्चे की शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं कर सकते थे, इसलिए हम तो आकर नर्मदा मैया की गोद में आकर उनके चरणों में अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं। कि जो भी हमसे बड़े बने और बिगड़े सब मैया जाने, हमारी आस्था नर्मदा मैया में रहती है, इसलिए हम तो उनकी गोद में आकर हमारे बच्चे की शादी कर रहे हैं। देखिए बाबूजी ने ये कहा कि माँ के गोद में आकर और वो पूरा आशीर्वाद जो है मैया देंगी, उसी आस्था और विश्वास के साथ विवाह कर रहे हैं। हमारे गांव में पहले यही परंपराएं थीं और इसी परंपरा से गांव एक सूत्र में बना होता था। गांव की जो परंपराएं होती थी, एक साथ बैठ कर शादी ब्याह में सहयोग करते थे। ना कभी टेंट का सामान लेना होता था, ना कभी हलवाई की ज़रूरत होती थी, ना कभी अन्य सामान लेने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि पूरे गांव में एक जुटता हुआ करती थी और उसी गांव के लोग, सारे गांव के लोग मिलजुल कर करते थे। वो गांव की जो परंपरा थी और जिसमें पूरी सहभागिता थी, वो परंपरा के बारे में बताइए। और आज नर्मदा मैया के किनारे वो परंपरा जो है आप लोग पूर्ण कर रहे हैं। नर्मदा मैया के नाम है, पहले अपना नाम महेश विश्वकर्मा है। महेश जी दूल्हे का बड़ा भाई हूँ जी, और नर्मदा मैया से आस्था है और उनके ही उसमें विवाह करने का सोचा। सब लोग पूरे रिश्तेदारों के साथ में आकर और यहाँ कार्यक्रम किया जी। मैया का आशीर्वाद जो है जी, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं, जहाँ लोग जो है गेस्ट हाउस में और जगहों पर 15-20 लाख की अमूमन शादी हो जाती है, यहाँ बड़े सहज और सरल तरीके। लेकिन ऐसा वो लोग खर्चा करते हैं, लेकिन मैया कितना बड़ा पावन नर्मदा मैया के तट पर अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये है। अपन ये मानते हैं कि नर्मदा मैया सबसे पवित्र और सुखदायिनी मैया है जी। महेश जी नाम है जी। महेश जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि इससे बढ़िया सौभाग्य क्या हो सकता है कि साक्षात नर्मदा मैया के दरबार में यानी उनके गोद में आकर हम ये परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर संस्कारों में 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और उस संस्कार को अगर हम सादे समारोह में करते हैं, नर्मदा मैया के किनारे करते हैं, तो वो परंपरा जो है और ज़्यादा प्रगाढ़ होती जाएगी। और गाँव में इसी तरह से जब भी कभी शादी हो, विवाह हो, तो बेटियों की शादी के लिए इसी तरह के गांव के लोग जैसे जुटकर मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, वो परंपरा आज भी बननी चाहिए। आज लाखों करोड़ों रुपए विवाह में खर्च किए जा रहे हैं, शादी समारोह में लाखों करोड़ों रुपए पल भर में खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो समझदार लोग हैं, जो इस परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं और ख़ासकर माँ
पतित पावनी माँ नर्मदा मैया के गोद के किनारे कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आप सब ने देखा होगा विवाह की तमाम जो दृश्य है, जो सीन है, मैंने दिखाने की कोशिश की। महिलाएं जो है साथ में गीत गा रही हैं, जो लोकगीत होते हैं, जो वहाँ के विवाह के परंपरा के गीत होते हैं वो गाए जा रहे हैं, और पूरे परिवार की ही महिलाएं सभी, चाहे बारातियों के स्वागत की हो, चाहे घरातियों के स्वागत की हो, उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा, हमारे भारतीय संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति एक सूत्र में पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में जोड़ने का काम करती है, और वही भारतीय संस्कार में, उसी भारतीय परंपरा में 16 संस्कार में विवाह परंपरा भी, विवाह संस्कार भी बहुत प्रगाढ़ माना गया है, सबसे प्रमुख माना गया है। और आज देखिए वर वधु दोनों तैयार हैं, दोनों लोगों से ये बात करेंगे कि एक पीछे माँ नर्मदा ना हम सब की मनोकामना पूर्ण करती है, जो हम सब के मनोभाव को पूर्ण करने का काम करती है, और दूसरे तरफ जो है वर वधु यहाँ तैयार हैं। जी कैसी अनुभूति लग रही है माँ के गोद में आकर, क्योंकि बड़े बड़े गेस्ट हाउसों में आजकल शादी विवाह होने लगे, बड़े जलसे होते हैं, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? तो आनंद की अनुभूति है जी, और नर्मदा माँ की गोद में आकर कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भाग्यशाली है जी। बाकी जगहों पर, गार्डनों में इत्यादि जगहों पर सभी लोग करते हैं जी, माँ के गोद में आकर करना एक सौभाग्य की बात है जी। यहाँ की इच्छा जागी, यहाँ आए, यहाँ कार्यक्रम किया, सबको आनंद आया, कृतार्थ है जी। देखिए इन्होंने बोला, भैया ने बताया कि बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन परम सौभाग्य ये है कि माँ के गोद में, माँ के आँचल में आकर हमें जो है ये अवसर मिला है जी। आपको कैसा लग रहा है? किस बहुत अच्छा लगा है, और हमारा सौभाग्य जो नर्मदा नदी किनारे हम मतलब यहाँ आए और हमारी शादी हुई है जी, बहुत सौभाग्य की बात है जी। माँ से आशीर्वाद, क्या मनोकामना पूर्ण, क्या मनोकामना की? सब खुश रहें जी, सब अच्छे से रहें जी, बस इतनी मनोकामना है, आशीर्वाद बना रहे उनका जी जी जी। वर से ज़्यादा वधु मुझे लगता बोलने में तेज हैं, तो उन्होंने बोला है कि माँ का जो आशीर्वाद है वो सभी परिवार पर बना रहे, और निश्चित रूप में नर्मदा मैया माँ जो है कभी अपूर्ण नहीं करती है, और सभी के मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो इस वीडियो का मूल कारण है, मैं संत महात्माओं की वीडियो को लगातार दिखाता रहता हूं, लेकिन नर्मदा मैया की जो यात्रा थी उस यात्रा का एक पड़ाव जो यहां पर दिखाई दिया, और उस पड़ाव में जो अपनी संस्कृति और संस्कार दिखाई दिए, उस संस्कृति और संस्कार को अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब अगर इस परंपरा में आएंगे तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष जो है एक सूत्र में पिरोया जाएगा, और गाँव की ये परंपरा कि गाँव में एक साथ बैठ कर चलते थे शादी ब्याह बेटी की, सभी पूरे गांव के लोग सहयोग करते थे, कभी टेंट का सामान नहीं आता था, कभी जो है हलवाई नहीं लगाए जाते थे, सारे गांव के लोग मिलकर आज से 40-50 साल पहले किया करते थे, और वो समारोह बहुत ही भव्य और दिव्य होता था। आज वैसे ही समारोह, वैसा ही कल्चर, वैसी ही संस्कृति हम सबको देखने को मिली, तो ये संस्कृति पूरे देश भर पहुँचे, पूरे गाँव तक पहुँचे, यही मनोकामना के साथ माँ नर्मदेश्वर की आप सब पर, दोनों वर वधु पर आशीर्वाद हो, यही मनोकामना। मैया का आशीर्वाद जो है सभी पर है, और मैं देख रहा हूँ वर पक्ष वधु पक्ष दोनों पक्ष में जो है हर्ष है, खुशी है, क्योंकि ये खुशी का माहौल ही है। तो माता जी से पूछते हैं कि मैया का जो आशीर्वाद है वो बच्चों तक पहुँचे और बच्चे खुश रहें, उसके लिए क्या कहना चाहती हैं? माँ नर्मदा जी से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस स्थान से जो कार्यक्रम हुआ है जी, तो मेरे बेटे और बहू के लिए माँ नर्मदा जी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ जी, जी जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता देवी विश्वकर्मा। अच्छा, बेटी पक्ष से या बेटे पक्ष से? बेटे पक्ष से हूँ जी। तो मैया ने सभी के आशीर्वाद के लिए कामना की है, और माँ जो है बहुत सभी के लिए कामना करती है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई हो नहीं सकता, माँ जैसा कोई हो नहीं सकता, माँ अपने बच्चों की खुशहाली के लिए ही हमेशा मनोकामना करती है, और माँ का जो शब्द है, माँ के जो वार हैं वो जो है हमेशा कष्ट हरने का काम करते हैं, चाहे अम्बे माँ हो, चाहे दुर्गे माँ हो, और चाहे नर्मदे मैया हो, और चाहे बेटे की माँ हो। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई सावन नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी
महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। माँ की दुआ का खजाना जब रहेगा तो चाहे कोई भी रहे, लेकिन किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बच्चों पर बना रहे, नर्मदा मैया का आशीर्वाद ऐसे बच्चों पर बना रहे। माँ नर्मदा के किनारे मैं देख रहा हूँ कि आज इतना भव्य समारोह हो रहा है, बड़े सादगी से, बड़े सहजता से। आजकल शादी समारोह में लोग बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े गेस्ट हाउस, बड़े बड़े गार्डन, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो यहाँ पर सहजता और सरलता से और बड़े सामान्यता से विवाह संपन्न हो रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? सब माँ नर्मदा की कृपा है जी, बस उन्हीं का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही सब सादगी से, शांति से जी। ये फिजूल खर्च तो करते ही रहते हैं जी, वो तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन ये दिन बहुत कम मिलता है जी। मैं देखता हूँ पुरुष वर्ग तो थोड़ा हाथ बांध लेगा, लेकिन महिलाएं जो है शादी समारोह में तो बहुत खर्च करती हैं। तो अब यही तो दिन होते हैं खर्च करने के जी जी जी। और फिर जब ऐसा माहौल हो, इतना सुंदर, इतना शांत, प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो फिर तो बनता है जी जी। अच्छा, तब मतलब खुशी इजहार करने का तरीका होता हमारा ये बनता है। अच्छा, हमारा यही तरीका है। से मुझे लगता है आपका ज्यादा जुड़ाव है बिल्कुल एनवायरनमेंट से जी जी। तो देखिए प्रकृति जो है वो माँ है, और माँ नर्मदा मैया प्रकृति सबसे बड़ी प्रकृति है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जब पूजन पाठ होता है तो केले का पत्ता है या आंवले का पेड़ है, उन सब का हम लोग पूजन करते हैं, और कुआं पूजन परंपरा होती है। तमाम ये परंपराएं जो हैं वो हमारे यहाँ प्रकृति से जुड़ी होती हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में ऐसी परंपराएँ नहीं हैं जिस परंपरा में हम समारोह भी करें और उस परंपरा में हम प्रकृति से भी जुड़ें। केवल भारतीय संस्कृति में चाहे शादी हो या बच्चे का जन्म हो या बच्चे का मुंडन हो, कोई भी समारोह हो और उस समारोह में आपको प्रकृति से जुड़ाव मिलेगा। तो यही हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की परंपरा थी। उस भारतवर्ष की परंपरा में यही था कि सब लोग एक साथ चलते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, और कभी किसी के घर में कोई समारोह होता था उस समारोह में पूरी तरह से सहभागिता करते थे। तो आज हम सब नर्मदा मैया के एकदम किनारे हैं, मध्य प्रदेश से बहती हुई वो नर्मदा मैया जो सबको तारती हैं, सबका उद्धार करती हैं। बस 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 बस
तो एक बार फिर पावन माँ नर्मदा मैया की जय घोष करते हुए, जय बोलते हुए इसी तरह की परंपरा को हम सब जीवंत करें, आगे बढ़ाते रहें। वर वधु को बहुत बहुत शुभाशीष, क्योंकि उस परंपरा के वो सहभागी बन रहे हैं और गांव के लोग, रिश्तेदार जो ये सब हैं, ये सब उस परंपरा के साक्षी बन रहे हैं। ऐसी परंपरा होगी तो हमारा भारतवर्ष कभी टूटेगा नहीं, हमारा देश कभी टूटेगा नहीं, और एक साथ सब जुड़े रहेंगे। माँ नर्मदा मैया को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत पावन। बजा रे भैया, बजाओ आगे हो जाओगे पूरे काम जब बामने को हम सरकार चुपचाप भाई खड़े रहो, ऐसा हो जाओ तुम और भी खड़े हो जाओ, कई फोटो वहाँ दो दो लोग हो ही रहे। अब तुमने सब करो तो दो कुर्सी मंगा लेते। अरे नहीं नहीं गुरु जी, बहुत कोशिश करी। अरे मारा तो मैं इमली नहीं चाहिए। नहीं नहीं देखो, जो हमारी आपकी बात थी वो बात तो अबे जय माला हो रही तन ना करो जाए। नहीं नहीं चाचा देखो, नहीं नहीं अरे तुम तो 3.5 हमरो का चुना हो सारे बुआ।